विधानसभा शेरगढ़ से विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर ज्ञापन देने एसपी महोदय के कार्यालय में हम सब उपस्थित हुए हैं। कर्नाटक मैं घटना से वाकई डिटेल से करवाना चाहता हूँ। कर्नाटक बेलगांव में हमारे जैन मुनि काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या वहाँ पर कर दी गई, और हत्या का मतलब कहते ही रूह कांप जाती है। एक अहिंसा परमो धर्म का हमेशा से संदेश देने वाले एक जैन मुनि, जिन्होंने जीव मात्र की हिंसा को भी अपराध समझा, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया गया, और अपराधियों को भले ही कानूनी कार्रवाई के तहत पकड़ लिया गया हो, लेकिन जो अपराधी थे इस तरह से नृशंस जो हत्या की है वो एक संदेश उसके पीछे कुछ अलग था। उनकी जो मंशाएं थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और अगर पूरे भारत में हम अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर जैन समाज के संत भी सुरक्षित नहीं है, तो आप और हम और हमारे परिवार के बेटियाँ बहनें कहाँ तक सुरक्षित रह पाएगी, उसको लेकर हम यहाँ पर बालेसर में एसडीएम महोदय के कार्यालय में यहाँ पर ज्ञापन देने सब इकट्ठा हुए हैं, जैन सकल जैन संघ, और हम सरकार को और पूरे भारत सरकार को यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं कि आज भारत का जैन समाज, जिसने हमेशा अहिंसा का पालन किया, जिसने कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, जब भी भारत के अर्थव्यवस्था में नाम आता है जैन समाज का नाम सबसे पहले आता है, भारत के आर्थिक स्तंभ के रूप में जैन समाज का परिचय है, लेकिन सुरक्षा की भावना से देखा जाए तो हम बिल्कुल शून्य है। बाजार में भी देखिए हमारे साथ हिंसा हो जाती है, हमारे जैन मुनि सड़कों पर विचरण करते हैं, उनको सरकार की ओर से कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती। एक्सीडेंट जैन मुनियों के एक्सीडेंट एक आम बात सी हो गई है, सड़क पर उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ भी होती है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि काम कुमार मुनि जी को इंसाफ मिले, और सकल जैन समाज के जितने भी संत हैं हर संत को सरकारी सुरक्षा मिले और जैन समाज को सरकारी सुरक्षा मिले, इसी के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने उपस्थित हुए। धन्यवाद। जिन शासन देव की जय हो।